Hello friends, let's solve this sum. For moving train, velocity time graph is shown in the figure. ये figure के अंदर दिया गया. Figure is included in equation. I have not drawn it. Equation के साथ ये figure दिया गया है. तो इसमें हमें क्या करना है? What is the maximum speed of the train and how long it is maintained? Maximum speed क्या है train की? तो ये diagram में clear cut दिख रहा है कि maximum speed that is 10 meter per second है. और वो कितने टाइम के लिए मेंटेन रखती है? तो यहाँ तक मेंटेन रहती है, ये ए से बी तक वो स्पीड मेंटेन रहती है. फिर ब्रेक्स लगाई जाती है एक्स वाई जेड रीजन से और रिटार्डेशन हो रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है. मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ओके, हाउ लॉन्ग इट इज़ मेंटेन, कितने टाइम तक वो मेंटेन रही है? तो मेंटेन रही है 400 सेकंड्स तक, क्योंकि यहाँ पे 40 है, बीच का कुछ मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट ये 420 सेकंड्स दिखाया गया है. टाइम इन सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है. सो 420 में से 40 जाएगा, सॉरी 400 नहीं, बट इट इज़ 380. यस, 40 से शुरू होकर 420 तक जा रहा है, तो दैट इज मेंटेन फॉर 380 सेकेंड्स. 420 में से 40 माइनस कर दिया गया. सो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? सो मैक्सिमम स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, इट इज मेंटेन फॉर 380 सेकेंड्स. आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस इजी क्वेश्चन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. What is the acceleration of the train in OA, AB and BC? ठीक है, तो OA यानी this situation, उसमें acceleration कितना होगा? तो let's solve over here, then I will solve it systematically. A is equal to V, no, that's V minus U upon T. V यानी final velocity, that is 10. U यानी initial velocity, that's 0. And time कितना लग रहा है? तो 0 से यहाँ तक आ जाते हैं, तो that is 40. So that is 10 upon 40, 0, 0 cancel, that's 1 upon 4 and that's 0.25 we can say. So initial velocity is 0.25 meter per second square. ठीक है, so OA का हम solve कर रहे हैं, ठीक है, systematically. Now let's write the formula, let's substitute the value. 10 minus 0 upon 40, 10 upon 40, 1 upon 4 meter per second square, or either you can say 0.25 meter per second square. Now AB के दौरान acceleration क्या होगा? Let's come over here. AB के दौरान acceleration क्या होगा? तो there is no acceleration. Why? Because acceleration is what? Increase in velocity. But यहाँ पे increase कुछ velocity में हुआ ही नहीं है, ठीक है, it is retained. So इसमें हम लिखेंगे U is equal to 10, V is equal to 10. So time 380 seconds. ठीक है, तो systematic method में अगर दिखाना है तो we will write V minus U upon T. 0 upon 380, that's 0. So in that case, AB case के अंदर हमारा acceleration 0 हो रहा है, ठीक है. Now BC case में चले जाते हैं, तो BC case में क्या है? U is equal to 10, let's come over here. Yeah, here it is 10, U is equal to 10, V is equal to 0, because it is connected with 0. So U is equal to 10, V is equal to 0, and time is 420 to 500, yani 80 seconds. 420 to 500, yani 80 seconds. So we solve kar rahe hain. ठीक है, वी जीरो 80 सेकेंड्स, सो इट विल बी वी माइनस यू अपॉन टी. 0 माइनस 10 अपॉन 80, माइनस 10 अपॉन 80 एंड दैट्स 1 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई थिंक फ्रेंड्स यू अंडरस्टूड इट वेरी वेरी परफेक्टली. नाउ ये आप अपने आप ट्राई कीजिए, ठीक है, सेम एज प्रीवियस वीडियो. क्या करना है? टोटल डिस्टेंस, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए ई ओ बी डी सी एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल सारा का प्लस करना है, ठीक है, एज वी डिड अर्लियर. सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्लस प्लस, ठीक है. अभी ए ओ ई 1/2 ए ई इंटू ओ ई और ई ओ, ठीक है. फिर हियर 1/2 बी डी इंटू डी सी, ठीक है, और हियर ए बी इंटू बी डी और बी डी इंटू डी, कोई भी एल इंटू बी की पैर ले लो. मैंने लिया है ए ई इंटू ई डी. नाउ वैल्यू रख रहे, ए ई की वैल्यू है 10, ई ओ की वैल्यू है 40, 1/2 बी डी, बी डी की वैल्यू है 10, सी डी की वैल्यू है 80, ठीक है, सी डी यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 80, 500 माइनस 420. ए ई की वैल्यू है, ए ई की वैल्यू है 10, ई डी की वैल्यू है, दैट्स ई डी की वैल्यू है 380, ठीक है, ई डी 420 माइनस 40. नाउ लेट सिंप्लीफाई इट, 2 5 इज 10, सो इट इज 5 इंटू 40 अगेन प्लस, उसके बाद फिर से मैंने कर दिया 2 5 इज 10, ये प्लस यहाँ से लिखा 2 5 इज 10, सो 5 इंटू 80 देन 3800, सो दिस इज 200, दिस इज 400, 3800 4400 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस इट हैज़ ट्रैवल्ड इज 4400 मीटर. नाउ ये उसकी
जो उसका जो ये यूनिट है 4400 मीटर, उसका जो टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर दिया गया है वो किलोमीटर में दिया गया है. ओके, सो नाउ आई नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो मैंने क्या किया, 4400 को 1000 से डिवाइड कर दिया. सो 4.4 किलोमीटर, सी 4.4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है. बट दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. अगर एग्जाम में आंसर ये फॉर्मेट चाहिए तो दे विल आस्क इन द क्वेश्चन कि आपको जो आंसर है वो किलोमीटर में लिखना है, अदरवाइज यू कैन राइट आंसर इन मीटर यूनिट ऑल्सो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट.